वेलकम टू आवर क्लास बच्चों। तो आपने अल्फाबेट सीख लिए हैं, अब हम अल्फाबेट से आगे बढ़ेंगे। अल्फाबेट में आपने लेटर्स सीखे, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। तो अब हम आगे वर्ड फॉर्मेशन के लिए तैयारी करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले, क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, तो हिंदी को इंग्लिश से जोड़ते हुए इंग्लिश पढ़ना हम सीखेंगे। यानी हिंदी के माध्यम से ही इंग्लिश पढ़ना हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में बदलना होगा। और हम यहाँ पर समझने के साथ साथ थोड़ा लर्निंग काम भी करेंगे, हमको याद करना पड़ेगा। फिर थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे आप सोचो कि हम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है। तो अपनी समझ के साथ साथ याद करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और आज आपके लिए जो हम काम लेके आए हैं वो याद करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द बोर्ड, ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा बेटा, स्वर, और ये क्या लिखा, मात्रा, और ये लिखे वॉवेल्स। हमने आपको स्वरों का ज्ञान भी कराया, आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको स्वरों का ज्ञान भी कराया, और अल्फाबेट्स पढ़ाए थे तो अल्फाबेट में जो लेटर्स सिखाए थे तो उसमें हमने आपको वॉवेल्स भी कराए हैं। हालांकि मैंने वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट ऐसे करके डिवाइडेशन करके तो नहीं बताया, बट आपको ये जो इसमें लेटर नजर आ रहे हैं ए ई आई ओ यू, ये देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जहां इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे तब आपको वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट का उसकी जानकारी देंगे। अभी फिलहाल हमको इंग्लिश को पढ़ने के लिए और उसके वर्ड फॉर्मेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी हिंदी की हेल्प से इंग्लिश को पढ़ना सीखें। तो सबसे पहले हमने सिर्फ स्वर लिए हैं, क्या लिए हैं, स्वर, यानी 11 स्वर हैं हमारे, इस तरह से लिख रखे हैं, और उन स्वरों की मात्राएं भी ली हैं। मात्राएं बच्चों क्यों ली हैं, अरे ये जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर जगह आपकी हिंदी में यही लिखा हो, मात्राएं भी तो चढ़ाएंगे आप, मात्राओं को भी तो पढ़ेंगे। तो इसलिए ये भी आपके स्वर हैं और ये भी आपके स्वर ही हैं, यानी ये मात्राएं क्या है, स्वरों का प्रतीक है। अगर अच्छा नहीं है तो मात्राएं हैं, और मात्राएं नहीं है तो अच्छा है, दोनों की प्लेस वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमारा ये जो वर्क है इसको हम समझ लेते हैं, और उसके बाद आप अपनी कॉपी पे नोट करिए और इसको याद करिए। फिर इसके बाद हम आपको कॉन्सोनेंट्स यानी जो व्यंजन होंगे, हिंदी में व्यंजन होंगे और इंग्लिश के जो व्यंजन यानी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होंगे, उनको भी आपको इसमें पढ़ना समझना दोनों पड़ेगा, और वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आप उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें देखते हैं, ये देखिए, ये क्या है, हमारा पहला स्वर है छोटा, इसको बोलते हैं अ। तो इसके लिए इसमें हमने वॉवेल लिया है क्या, ए, शॉर्ट, तो बड़ा, और इसकी मात्रा ये सामने लिखी है, बड़े आ के लिए बच्चों हम ए को कन्वर्ट करते, बड़े आ को इंग्लिश में ए में कन्वर्ट करते हैं, और कभी कभी डबल ए में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम लिखेंगे माँ तो हमको एम डबल ए लिखना होगा, और अगर हम लिखेंगे बाजार तो बी ए जेड डबल ए आर लिखेंगे। तो बहुत रेयर वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम डबल ए का यूज करते हैं, तो बड़े आ की मात्रा के लिए डबल ए का यूज बहुत कम शब्दों में होता है, लेकिन होता तो है ना, तो याद तो करना होगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम छोटे, तो इसकी ये मात्रा है और इसके लिए हम आर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी बड़ी, बड़ी में इसको बड़ा ध्यान से देखिए बच्चों,
आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है समझना कि हम आई डबल ई या वाई किसको बड़े ए के लिए यूज करें, मतलब बड़े ए की मात्रा के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करें। तो इसके लिए बेटा जब वर्ड फॉर्मेशन आप सीखोगे, शब्दों को बनाते हैं ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन में आपको हम बताएंगे कि हम कौन से वर्ड्स में बड़ी की मात्रा, यानी जिस पे बड़ी की मात्रा चढ़ी हो तो वहां पर बाई का यूज करेंगे, और कौन से वर्ड में डबल ई का यूज करेंगे, और किस वर्ड में आई का यूज करेंगे। लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, डबल ई और बाई तीनों का यूज होता है, तीनों वर्ड। हालांकि इसमें बाई मैं बताना भूल गई, जो बाई है ना वो वॉवेल तो नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन हमने ये इसलिए लिखा है कि आप जब इंग्लिश सुनाओ तो आपको पता रहे कि बाई से भी आई बनता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने सिटी लिखा है ना, सिटी मीन्स होता है शहर है, तो टा पे बड़ी की मात्रा चढ़ी, चढ़ी कि नहीं चढ़ी, तो बड़ी की मात्रा के लिए हमने क्या लिखा, वाई। तो ये अलग रूल्स है, तो ये तो ये कहूंगी मैं कि ये वॉवेल नहीं है, ये बाई जो है वॉवेल नहीं है, वॉवेल नहीं है। बट हम मात्राओं का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए हमने बाई को यहां पर लिख रखा है। तो आगे आता है हमारा उ, यानी छोटा उ, तो छोटे उ के लिए यू का यूज करते हैं, और बड़े उ के लिए डबल उ का। ये देखिए बड़ा उ लिखा है, ठीक इसके सामने मात्राएं लिखी हैं, और ये इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसको डबल उ में लिखते हैं। आगे आता है हमारा ये रिर, ये रिर की मात्रा है, और रिर के लिए बच्चों आप इसका र ऐसे प्रोनाउंस करते हो, रक बोलते हो तो इसमें आ आता है, लेकिन हम रिर री बोलते हैं। जब जैसे संस्कृत, संस्कृत लिखेंगे ना तो वहां पर संस्कृत हुआ, स्कर्ट हुआ, तो इस तरह के वर्ड में आर आई आता है साथ में। तो रिर की मात्रा अगर लगी होगी कहीं पर तो इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो आर आई लिखेंगे। तो हाँ ये भी देखिए बताते हैं, अब जैसे कि आई तो वॉवेल है लेकिन आर नहीं है, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने इसको लिखा है, ये भी वॉवेल नहीं है। लेकिन मात्राओं की हम इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, मात्राओं की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो हमको यहाँ पर ये बिना वॉवेल वाले वर्ड भी यहाँ पर लिखने पड़ रहे, सॉरी वर्ड नहीं लेटर। आगे ए, ए के लिए हम ए भी यूज करते हैं, ई भी यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करेंगे ये आप वर्ड फॉर्मेशन में ही सीख सकते हैं, बस इतना याद रखिए, इतना याद करिए कि ए की मात्रा के लिए या ए के शब्द के लिए ए और ई दोनों ही यूज किया जाता है। अब आते हैं आई, ए और ए की मात्रा है, और ए के लिए हम ये ए आई ये दोनों वॉवेल यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारी नेक्स्ट जो स्वर है या वॉवेल है वो क्या है, ओ, ओ और ये रही ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं यूज, ओ। आगे आता है हमारा औ, औ की मात्रा, और औ के लिए हम ए यू का यूज करते हैं, ए यू। नेक्स्ट ये हमने बच्चों यहाँ पर देखिए ये लाइन खींच दी, और उसके बाद हमने यहाँ पर अंग लिखा और ये आह लिखा, क्यों, क्योंकि ये दोनों अक्षर वॉवेल नहीं है, ये दोनों अक्षर वॉवेल नहीं है। इनको क्या हमने बताया था, जिन बच्चों ने हमारा वर्णमाला वाला जो पार्ट देखा होगा तो उन्होंने उसको पढ़ा होगा, और ये हमारे कौन से अक्षर है, आयोगा, कौन से अक्षर है, अयोगा, ये हमारे वॉवेल या स्वर नहीं है। तो इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए ये जो अंग अंग की बिंदी लगती है ये मात्रा इसकी बोली जाती है,
और इसके लिए हम मा वर्ड सॉरी मा लेटर यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सॉरी सॉरी एम एम, हाँ इसको एम एम लेटर यूज करते हैं, करेक्ट। अब आते हैं हम ये अह, तो ये संस्कृत में इसका यूज ज्यादातर संस्कृत में होता है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं संस्कृत में, तो इसको इंग्लिश में मुझे नहीं लगता है कि वर्ड फॉर्मेशन में कहीं पर भी ऐसी बिंदी लिखी लगी होगी, मतलब ये विसर्ग लगी होगी और हमको उसमें कन्वर्ट करना होगा। फिर भी हमने इसके आवाज के इसके बॉबल इसके साउंड के आधार पर इसको एक लेटर दिया है एच, क्यों, क्योंकि इस विसर्ग को हम हा वर्ड में यूज करते हैं, मतलब बोलते हैं हा वर्ड का उच्चारण करते हैं, इसलिए हमने एच कर दिया। तो बच्चों इस तरह से हमने आज आपको सिर्फ स्वर और बॉबल का मेल करना सिखाया, यानी जो हिंदी के हमारे स्वर हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, स्वरों को या स्वर की जो मात्राएं हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इतना आज हमने इस पार्ट में सिखाया। तो अब ये आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसको तैयार करिए, और इसके बाद आपको अब हम होमवर्क देते हैं, और आप बच्चों होमवर्क जरूर करना। बच्चों देखिए ये रहा आपका होमवर्क, हमने आपको वो नोट करा दिए थे और आपने वो नोट कर लिया आपका। अब हम इसमें देखते हैं ये हमारे जो है स्वर और ये है वॉवेल, तो इनसे हमको मिलान करना है। ये देखिए अ आ, इस इधर देखिए आप, आ को इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, आई नहीं, यू नहीं, डबल ओ नहीं, फिर क्या ए, तो आप क्या करोगे इस आ से इसको मिलान कर, ठीक है। तो ऐसे ही ये आई है और आई को आई की हिंदी क्या होगी, ई, ई भी बताई है मैंने और आई भी बताई है, तो इसको इससे कर लीजिए, इसमें एक वर्ड मिस हो रहा है बड़ी ई की मात्रा के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या बताया था, आई बताया था, डबल ई भी बताया था और बाई भी बताया था, तो आप इसको मिलान इससे कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपको मैचिंग दी है हमने, और आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों और इसको घर पे कर लीजिए नोट, इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इसका इंतजार कीजिए, और उसमें हम कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन उनका इंग्लिश टू हिंदी किस तरह से कन्वर्ट करेंगे